जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय जसोदा नंदन, जय ब्रज जन रंजन, जय ब्रज जन रंजन, जय जसोदा जीवन, जय जामुनती रवन चारी, जय कुंज बिहारी, जय जय जामुनती रवन चारी, राधा विनोद बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर ब्रह्मानंद दे हरि हरि बोल की जय। तुम लोग कुछ बोलो। हरे कृष्णा आ जाओ आ जाओ। अशोक को जाने तो मार मुगल से कहे। हाँ अरे ये कौन गला ब्रज किशोर ब्रज किशोर को तो मुकाई मत भल बग ता ठीक है से। फिर आसन दे दे आसन तब से माइक दे दे सही था। हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण। ओमज्ञानतीरान्वश्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाद्वैतबलाधरशिवाशादिशिवोर्भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वावय मध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अशोत्र सतस्वी श्रीमद भक्ति वेदांत सदस्य भगवत संग गुरु महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनका हित कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत एवं कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुभव गुरुवर्ग गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद समस्त आचार्य वर्ग समेत पूज्यपाद भक्ति वेदांत बोधन महाराज एवं पूज्यपाद भक्ति वेदांत निष्किंचन महाराज समेत समस्त उपस्थित वैष्णव के चरण में अदम का प्रणाम स्वीकारायण। आज आज हम लोग श्रील भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज के विरह महामहोत्सव को यथाजथ रूप में पालन कर रहे थे। सुबह वैष्णव से पूज्य पाद बोधन महाराज से और सब लोगों ने सब वैष्णव ने उनके चरणों में वाचनिक पुष्पांजलि अर्पण किया। अभी गुरुजी के आदेश से विशेष रूप में तो मुझे कुछ इतना पता नहीं, फिर भी गुरुजी के आदेश को पालन करते हुए श्री महाराज जी के चरणों में मैं कुछ वाचनिक पुष्पांजलि प्रदान करना प्रदान करना चाहता हूँ। और जैसे कि बताया गया कि आज है ना विरह उत्सव, ना विरह उत्सव मतलब तो इस विरह उत्सव में आनंदित मतलब जैसे कि आप बताया गया कि विरह उत्सव में आनंदित नाम का शब्द उपयोग नहीं होगा क्योंकि जागतिक लोग इसको शोक सभा बोलते हैं लेकिन वैष्णव जगत में इसको विरह उत्सव बोलते हैं क्योंकि वैष्णव के जन्म मृत्यु कर्म इत्यादि नहीं होता है। न कर्म बंधनम वैष्णव अनांच विद्यते विष्णु अनुचर तो ही मोक्ष मांगो मनीषम। भगवान के वो लोग नित्य अनुचर है और वो उनके
जन्म मृत्यु कर्म आदि नहीं होता और वो प्रकट अवस्था में जैसे जिस प्रकार भाव में कृष्ण की सेवा करते हैं और अप्रकट अवस्था में भी उसी रूप में कृष्ण के ही सेवा को शिक्षा देते हैं। जैसे विरह उत्सव मतलब उनके स्मृतियों को गुणगान करना, उनके आदर्श को हम जैसे बद्ध जीव वो जिस समय प्रकट रहते हैं उनको ठीक ठीक रूप में जानते हैं। सेवा तो बाह्य रूप में हम शारीरिक रूप में उनको सेवा कर देते हैं विशेष विशेष रूप से, लेकिन उनके जो मनोविष्टता उनके वो जो क्या करना चाहते थे ये वास्तविक उनके जाने के बाद ही पता चलता है कि वैष्णव के मुख से हाँ महाराज जी थे और महाराज जी ये करते थे, महाराज जी वो करते थे। अभी वो सब चीज़ पता चल रहा है कि महाराज जी कितना धाम के प्रति निष्ठा रखते थे और धाम के प्रति निष्ठा मतलब धाम में कितना सारे वैष्णव को परिक्रमा करवाते थे और कैसे गुरुदेव के विशेष रूप में सेवा करते थे और विशेष विशेष जगह में महाराज जी कैसे प्रचार करते थे। तो श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि विरह उत्सव तो मेरे लिए हर दिन कोई ना कोई वैष्णव का तिथि मतलब आना चाहिए, क्योंकि मैं इतना विषय हूँ कि वैष्णव का तिथि जब आएगा तो उनके जो गुणगान होगा और उनके जो आदर्श और उनके जो विचार को सुन के मेरा शायद चित्त शोधन हो सकता है। इसलिए मेरे लिए प्रभुपाद ने कृपा करके ये जो पंजिका के माध्यम से सारे वैष्णव का तिथि मतलब सारे वैष्णव का आविर्भाव और तिरोभाव दिया गया है कि सारे वैष्णव का तिथि अगर आएगा तो वो बहुत खुश हो जाते थे श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, और उनके आचार विचार को सुन के पूरा पूरा रूप में वो क्या करते थे ना चित्त शोधन करते थे। वैष्णव लोग इतने दयालु हैं कि इसी जगत में दीनहीन को कृपा करने के लिए तो आते ही थे। महत विचरणम निणम दीनम दीन चेतसाम, हम जैसे बद्ध जीव को कृपा करने के लिए आते हैं फिर अप्रकट होने के बाद भी उनके द्वारा किया गया आदर्श और विचार को इतने मात्रा में जगत में प्रचार प्रसार करते हैं और वास्तविक उनके जो भावना है वो तो वास्तविक कृष्ण सेवा ही है, तो उसी वासना को क्या करते हैं ना जीव के अंदर में प्रकाशित कर देते हैं अप्रकट होने के बाद भी। इसलिए आज महाराज जी के विशेष तो हम इतने बस परिक्रमा ही महाराज को देखते थे, बस कुछ कुछ याद है कि वैष्णव से सुना हूँ कि जैसे कि प्रभुपाद ने पुनः परिक्रमा के माध्यम से धाम का विशेष रूप में सेवा किया और परिक्रमा करके सारे हमारे प्रभुपाद के बाद प्रभुपाद के मनोभीष्ट को हमारे परम गुरुदेव श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने भी पूरा पूरा रूप में कैसे भिक्षा करके कैसे बहुत सारे रूप में धाम का क्या किया ना विशेष रूप में सेवा किया और धाम में परिक्रमा करवाया, उसी क्रम से हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज भी परिक्रमा को विशेष रूप में संपादित किए और उनके ही क्रम से हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज भी धाम के विशेष रूप में सेवा किए और परिक्रमा के पूरा भार दायित्व तो लेते थे। यद्यपि किसी वैष्णव से सुने हैं कि एक बार महाराज जी को किसी ने पूछा कि महाराज जी आप तो यहाँ बैठ अगर आप यहाँ पे बैठ जाओगे तो इतना भिक्षा कलेक्शन हो जाएगा कि आपको यहाँ गांव-गांव में घूम के ये कलेक्शन करना और ये मतलब परिक्रमा के आयोजन करना ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आप अभी असुस्थ हो गए हो आप यहाँ पे बैठो हम लोग जाते हैं। उनके कुछ सेवक ने बोले कि हम लोग जाते हैं, हम सेवक परिक्रमा में जाएंगे और गांव-गांव में कुछ चावल दाल भिक्षा आदि होता था और कुछ महाप्रभु की सेवा के लिए जो भी भिक्षा होगा हम कलेक्शन करके ले आएंगे। आप तो आपके इतने शिष्य हैं आप यहाँ पे बैठोगे और बोल दोगे तो सब शिष्य आके यहाँ पे दे देंगे। तो महाराज जी ने बोले कि हम ही तो आशीष भिक्षा जन्म यहाँ पे अपना स्वरूप का प्रकाशित करते हैं। कैसे ना वास्तव में जो महाप्रभु के पार्षद है वो महाप्रभु के और भगवान के विशेष विशेष जो कथा और कीर्तन को जो चीज़ को महाप्रभु ने बोला महाप्रभु को मनोविष्ट को प्रचार करने के लिए ही आए हैं। जैसे महाप्रभु ने बोला नगर अते पृथ्वी ते अचे जत आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम, तब यहाँ महाराज जी
इतने सामर्थ्य है कि मठ में बैठ के भी सारे कलेक्शन कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो क्या करते ना, गांव-गांव में जाते हैं और गांव-गांव में जाके महाप्रभु के वाणी प्रचार करते हैं भिक्षा के माध्यम से। और वो और क्या करते हैं ना, भिक्षा के छल से क्या करते हैं ना, हर गांव-गांव में जाके प्रचार करके भिक्षा लेते हैं और उसी बहाना से सबको कथा कीर्तन सुनाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि महाराज जी का लाइव आता था, कहीं पे भी एक चेयर पे बैठ गए और कथा कीर्तन किया और वहाँ से महाप्रभु का वाणी प्रचार हुआ। और वो दीनहीन जो महत विचलनम निणम गृणम दीन चेतसाम, उन लोगों के लिए, उन लोगों को कृपा करने के लिए भी वो क्या करते थे ना, गांव गांव में प्रचार करते थे बंगाल में और भिक्षा करते थे। और एक समय ऐसे ही उन्होंने अपने जीवन में महाप्रभु के वाणी के प्रचार करने के लिए बहुत बहुत पूरा अंतिम पर्याय तक, मतलब अंतिम लास्ट तक, मतलब से जीवन काल का अंतिम समय भी हो गया, लेकिन अस्वस्थ होने पर भी महाराज जी कैसे परिक्रमा में सबके पास सोते थे और सबसे पहले जग जाते थे। और हमारे बोधन महाराज बोलते हैं कि पंडाल में देखोगे तो महाराज को देखोगे, आरती में पहले देखोगे तो महाराज को देखोगे, परिवेशन में देखोगे तो महाराज को देखोगे, रोसैया में देखोगे तो महाराज को, हर समय हर जगह पे महाराज को ही देखोगे। और ऐसा नहीं, कोई अगर नहीं करता सेवा तो महाराज जी मतलब उसको टोकते थे कि सेवा करो, और वो फिर भी अगर कोई नहीं करता था कि परिक्रमा में सब लोग परिक्रमा करके थक गए होंगे, तो फिर भी कोई अगर नहीं भी करता था तो तब क्या करते थे ना, महाराज जी खुद जाके करते हैं। हमने देखा है कैसे एक बार रात में मतलब पूरा देखे कि पूरा कैसे वो वाइपर लगा रहे थे उनके जो भजन कुटीर के सामने पूरा प्रसाद। और एक विशेष बात है कि परिक्रमा में क्या करते हैं ना, महाराज जी बाल्टी भर भर के अपने रूम में ले आते और अपने अपने लिए नहीं लाते। तो एक बार क्या हुआ कि प्रसाद खत्म हो गया था, मेरा दीक्षा हुआ था उस समय, तो वो एक प्रभु जी थे कि बोले कि वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर प्रसाद मिलेगा। तो मैंने वहाँ पर गए तो महाराज जी मुझे देख के बंगाली में कुछ बोले, बंगला लैंग्वेज में, मुझे तो तब समझ में नहीं आया। फिर मुझे सोचा कि प्रसाद ही ऐसे कुछ वर्ड बोले, तो मुझे लगा कि हाँ प्रसाद के लिए बोले, अब इतना भूख लग रहा है, तब बोले कि हाँ प्रसाद पाओ। अंदर बिठाया, अपने भजन कुटीर में बिठाया, वो जो बगल में है एंट्री करते ही अपने भजन कुटीर वहाँ पर बिठाया। और महाराज जी के वहाँ पे एक बेड है साइड में, उसी बेड में सो गए, सब में वहाँ पे हम और दो तीन भक्त वहाँ पे बैठ के प्रसाद पा रहे थे। तब कितने चिंता पर इतने लोग के अंदर भी महाराज जी उसको एक उनके भक्त था उनको पूछ रहे, अरे उसके लिए नाम 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 लेके बोल रहे थे, अरे उसको लिए प्रसाद है तो, इसके लिए प्रसाद है तो, वो नहीं पाया होगा अभी तक, वो नहीं पाया होगा अभी तक प्रसाद, उसके लिए बचा के रखना, उसके लिए बचा के रखना। परिक्रमा में इतने हजार हजार संख्या के भक्त के अंदर भी महाराज जी सबको जाके बोलते थे कि प्रसाद पाए और परिक्रमा किए, ऐसे बोलते थे। तो यही वास्तविक जो हमारे गुरुदेव के क्या था ना, यही वास्तविक गुरुदेव का मनोविष्ट को समझ के विशेष रूप में धाम का सेवा किया। अंतरंग, अंतरंग मतलब विशेष रूप में क्या हुआ, गुरुदेव के अंत, और रंग मतलब उनके अंदर प्रवेश करना, गुरुदेव के मनोविष्ट को वास्तव में जानना। इसीलिए गुरुदेव को मनोविष्ट को जो निष्कपट भाव में सेवा करते हैं, गुरुदेव क्या करते हैं ना, उनके अंदर सारे के सारे शास्त्रों को प्रकाशित करते हैं। इसलिए सुबह बोल रहे थे कि हमारे बोधन महाराज हम लोग कि जैसे कोई अगर कथा में कोई जाएंगे तो सब लोग देखते हैं, नोट देखते हैं क्या बोलेंगे क्या नहीं, लेकिन महाराज जी कुछ नहीं देखते थे, क्योंकि वो वास्तव में, इससे पता चलता है कि वो वास्तव में निष्कपट भाव में हमारे गुरुदेव की सेवा करते थे और वही सेवा के लिए ही, वही सेवा के फलस्वरूप ही गुरुदेव ने क्या किया ना, उनके हृदय में सारे शास्त्रों का प्रकाश कर दिया, प्रकाशन्ते महात्मनः। तो और एक बार महाराज जी केशव जी गोड़े मठ में थे, तब वो प्रेमानंद प्रभु के एक आर्टिकल में आया था, मैं देख रहा था कि प्रेमानंद प्रभु और महाराज जी को हमारे गुरुदेव ने कहीं भिक्षा के लिए भेजे। तो उसी समय जो आलू के बोरा होता था तो उसको क्या करते थे, एक जो ट्रॉली रहता है वो ट्रॉली में डाल के उसको कैरी करके ले आते थे। तो वो डालने का जो ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस था वो उसी समय 25 पैसा था। तो प्रेमानंद प्रभु को महाराज जी ने बोला, अरे अरे अभी कोई ज़रूरत नहीं,
कि अरे अभी कोई जरूरत नहीं है कि हम ये मतलब क्या करें ना, ये पैसा को अभी हम समर्थ है और यही पैसा आगे जाके गुरु जी के और कोई सेवा के उपयोग हो सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया ना, खुद सुब्रमानंद को बोलते हैं कि खुद उनको क्या किया ना, वो आलू को वो जो ये था जो पैकेट था उनको खुद पूरा ले लेके पूरा पीठ में पीठ के ऊपर कंधे के ऊपर लेके मठ में आए और सेवा की। तो इस जगह पे देखते हैं कि गुरुदेव के लिए सबसे कठिन से कठिन सेवा भी उन्होंने किया। तो यहाँ पे और एक बार देखा जाता है कि परिक्रमा के समय में महाराज जी को जो भी भिक्षा मिलता था महाराज जी क्या करते ना, बेड़ में ऐसे ही फेंक देते हैं। तो किसी ने पूछा कि महाराज जी आप पैसा अंदर रख लीजिए गोदरेज में, परिक्रमा में इतना सारे लोग आ रहे हैं, कोई ना कोई आपका पैसा को ले जाएगा, आप अंदर रख लीजिए। तो महाराज जी तब बोलेंगे तो पैसा गया तो गया, अब परिक्रमा करो अभी। तो यहाँ पे पूरा विपरीत दिखा जा रहा है कि जैसे कि एक समय उन्होंने गुरुदेव की सेवा के लिए 25 पैसा को भी बोला कि ये बहुत है, और यहाँ पे परिक्रमा में हजार हजार पैसा को भी बोल रहे हैं ये छोड़ो इसको नहीं लेना है। तो ये इसमें शिक्षा देते हैं कि जो वैष्णव लोग हैं वो परिक्रमा में कितने आविष्ट थे, वही बात को शिक्षा देते हैं कि बहुत आविष्ट होने के कारण वो पैसा को तुच्छ बोल रहे हैं कि उसको हाँ जाने दो, जाना है तो जाने दो, कोई लेना है तो ले जाए, क्या हो गया, अभी परिक्रमा में ध्यान दो, अभी परिक्रमा में चल रहा है, अभी परिक्रमा में ध्यान दो, महाप्रभु के अभी जो सेवा हो रहा है, जो धाम की सेवा हो रहा है, सबको प्रसाद में सेवा दो, मतलब पूरा उनके हृदय में जैसे कि मतलब जितना भाव से गुरुनिष्ठ था और गुरुदेव के वाणी को प्रचार करने के लिए और महाप्रभु को वाणी को प्रचार करने के लिए बहुत सारे ग्रंथ आदि जो भागवत भी लिखे और विशेष रूप में परिक्रमा भी किए, इससे पता चलता है। और कभी कभी महाराज जी अस्वस्थ हो जाते थे, तो जब महाराज जी अस्वस्थ भी हो जाते थे कि जब महाराज जी अस्वस्थ हो जाते थे लेकिन किसी को पता नहीं चलता था कि महाराज जी को कुछ हुआ है, कि हर समय पूरा आनंदित पूरा उल्लासित मन से पूरा हंसते खिलते रहते थे, अब किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलता था। यही मुक्त जीव का स्वाभाविक लक्षण है और यही गुरु निष्ठा का विशेष रूप में क्या है ना, आविष्टता है। जैसे कि उदाहरण देते हैं कि हमारे परम गुरुदेव ने श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज को एक समय बहुत बुखार था, तो हमारे परम गुरुदेव ने श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज को बोला कि जाके सज्जन प्रभु आप क्या करो ना रसोई बना दो। तो तुरंत श्रील परम गुरुदेव ने जही बोला तब श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज तुरंत उठ के गए रसोई में किचन में और रसोई करने लगे, और उनके जो 104 डिग्री का जो बुखार था वो तुरंत हट गया। लेकिन हमारे जैसे बद्ध जीव हम अगर ऐसे बुखार में जाएंगे तो और बुखार हो जाएगा, लेकिन उनका वो सेवा में आविष्ट होने के कारण क्या होता है ना, उनमें वो जीत सकते हो, वो बल आ जाता है। इसलिए जता देखो वैष्णवर व्यवहार दुख निश्चय जाने से परम परानंद सुख। तो वैष्णव का बाहरी क्रिया में अगर कुछ दुख दिखाई दे रहा है तो वो अंदर ही अंदर बहुत क्या होता है ना, वो बहुत आनंद वो आनंद बहुत अंदर से आनंद ले रहे हैं। इसी बात को महाराज जी के जीवन चरित्र में शिक्षा मिलता है बहुत सारे कि प्रभुपाद के और गुरुदेव और परंपरा के सेवा के लिए और संप्रदाय के रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया ना, जितने तुच्छ से तुच्छ काम भी किया और जितने उच्च से उच्च काम भी किया। तुम्हार सेवा रे दुख है जैसे सही तो परम सुखम ना, जितने से जितने तुच्छ काम। एक बार नाली में ट्रेन में क्या हुआ ना, जाम हो गया था, तो महाराज जी क्या गए ना, खुद गए उसको लेके उसको साफ किए और तुच्छ से तुच्छ काम भी किया और महाप्रभु के सेवा के लिए किया। और क्या किया ना, इतने दीनता होने के कारण उनमें शोभा नहीं देता है कि फ्लाइट में जाए और पूरा दीनता तो है लेकिन मतलब एसी में रुके, लेकिन उनको वो जरूरत नहीं है, लेकिन वो महाप्रभु के सेवा के लिए उसको किया गया ना, उनको अंगीकार कर लिया कि हाँ मैं फ्लाइट में जाऊँगा, हाँ विदेश में जाके प्रचार करूँगा, हाँ मुझे गुरुदेव ने आदेश दिया है, वही गुरुदेव को आदेश को पालन करने के लिए जितने भी तुच्छ से तुच्छ काम भी किया और उच्च से उच्च काम भी किया, और उनमें उनको कोई अपमान या विषाद या सुख मतलब
ऐसे कुछ हर सिर्फ ऐसे नहीं हो, हर समय क्या स्थित स्थित रहते हैं, जैसे बहुत खुश रहते हैं। एक बार क्या हुआ ना वहाँ पे देवानंद गोड़े मठ में, क्या हुआ प्रसाद ऐसे सब लोग पा गए हैं, वाइपर मारना है तो वैष्णव के मुख से सुना है तो एक समय क्या हुआ देवानंद गोड़े मठ में सब लोग प्रसाद पा के चले गए थे, तब महाराज जी आके वाइपर कर रहे थे, तो महाराज जी देखे कि कोई वाइपर किया नहीं, तो महाराज जी उस समय क्या गए झाड़ू लेके वाइपर कर रहे थे। तो तब क्या हुआ ना कोई कोई ब्रह्मचारी देख के आ गए और महाराज जी के पास आ गए कि महाराज जी हम कर देंगे हम कर देंगे। तो महाराज जी बोले कि पहले क्या मर गए थे क्या, अब मैं आके कर रहा हूँ तब आके करोगे बोल रहे हो, पहले आगे करना चाहिए। इसमें शिक्षा देते हर समय कितना सेवा करते थे गुरुदेव के लिए, और इसीलिए उनके हृदय में सारे शास्त्र प्रकाशित हुआ, और उसीलिए ही वो मतलब उनके हृदय में कैपेसिटी हुआ कि इतना इतना धाम को मतलब संभाल पाते थे, और पूरा सब मैनेजमेंट करना सब कुछ उनके हृदय में प्रकाशित हुआ। लेकिन और तो विशेष कुछ मैं नहीं जानता हूँ, और हम जैसे मतलब गृहस्थ के लिए तो विशेष कृपा किए ही किए, लेकिन हम जैसे मठवासी के लिए भी उन्होंने विशेष रूप में कृपा किए, क्योंकि वो भी मठ में वास किए और उनके जो आदर्श उनके जो विचार वो भी विशेष रूप में हम अगर कोई अगर मठवासी हम जैसे पथजी उसको तो हम सही सही रूप में अनुकरण नहीं कर सकते क्योंकि हमारे द्वारा होगा ही नहीं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जिस रूप में गुरुवर्ग का सेवा किया, धाम का सेवा किया, ग्रंथ का सेवा किया, महाप्रभु का वाणी को प्रचार किया गांव-गांव में जाके, वैसे उनके जो भाव थोड़ा सा मात्रा हमारे हृदय में प्रकाशित हो, और इसी प्रार्थना के साथ उसी चीज को हमें जीवन में लेना चाहिए, और जब प्रकट काल में ये सारी चीज समझ में नहीं आता, हम जाते थे साधारण रूप से महाराज जी को देखते थे और वैसे देखते थे, परंतु अभी समझ में धीरे धीरे आ रहा है, तो उनके जीवन से यही शिक्षा लेकर अभी हम उनके इस विरह महोत्सव में उनको यही प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी आपके जीवन में संपूर्ण जीवन आपका जिस प्रकार गुरु वैष्णव सेवा के प्रति गया, संपूर्ण रूप में आत्मसमर्पण आपने जिस प्रकार किया, उसी प्रकार के जो आत्मसमर्पण शरणागत हम हो पाएँ और गुरु वैष्णव के प्रति इस प्रकार हम सतत से चेष्टा युक्त सेवा चेष्टा युक्त हो सकें। इतना कहकर अपने मन को विराम देता हूँ। जय श्री महाराज जी की जय। समस्त वैष्णव भक्त बंदे की जय। श्री बहुत आनंद है। ओम अज्ञानति निरंजस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संकर्षण कारण तोषाय गर्भदोषाय च प्रयद्विषाय विशेषसंगसंशय कलाशलितानन्दकरं सदा मम मास्तु। नमो महाबदानाय कृष्णप्रेम प्रदायते
इससे तत्पश्चात हमारे उपस्थित वैष्णव वैष्णवी का चरण कमल मध्य यथाजोग्य गंधवत प्रणाम करता हूँ। हमारे नित्यलला पर विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्ता श्री श्रीमद भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज का विरह तिथि ब्रह्मचारी भाव वैष्णव माने पुष्पांजलि दौंती सत्यपाई इसलिए मेरे गुरु जी के भी आदर्श है कि तुम भी इनके चरण में थोड़ा पुष्पांजलि दो। जो मैं इनके थोड़ा से अपना तो इनके साथ बस थोड़ा सा कभी कभी हमारे वृंदावन में जो था तब मैं परिक्रमा में महाराज के साथ रहा करता था तो महाराज के थोड़ा सा हमारे साथ संबंध था कि एक बार मैं जब पहली बार पूरी मठ में रहता था तब मैं पहली बार कार्तिक महीना में परिक्रमा गया था तब तो मुझे तो महाराज की किसी कोई महाराज मुझे पहचानते नहीं थे तो परिक्रमा के 5-6-7 दिन के बाद तो एक बार मैं परिवेशन में था परिवेशन करता था गोपीनाथ भवन में तो महाराज ने क्या कि एक बार बाल्टी रोटी बाल्टी लेकर परिवेशन करते थे तो देखकर कि तो हमारे गुरु जी के गुरु भाई है तो गुरु भाई के हमारे जैसे भी गुरु गुरु जैसे ही है तो इनको देखकर मेरे को थोड़ा पछतावा हुआ कि मौला नहीं आप बैठो मैं परिवेशन कर देता हूँ तो बाल्टी में छुड़ा दिया इनके हाथों से तो मेरे को धनाधन चापटा पट मारते रहे सब देखने लगे मेरे को कौन है क्या आंखें फाड़ फाड़ के सब देख रहे भक्त लोग बोलते कौन है महाराज को क्या बोल दिया महाराज मारते रहते तो महाराज मेरे को गुस्सा से मारे लेकिन मैं इनको मजा समझता मैं हंसता रहता और मेरे को मारते रहते और मेरे पीछे पीछे भागते मारते बोलते साला मेरे को सिखाता है ऐसे बोलते बोलते मेरे को मारते रहते तो सब उधर फिर हमारे भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के शिष्य थे इन्होंने पकड़ लिए महाराज को बोले महाराज क्या हुआ साला मैं परिवेशन करता वो मेरे से बाल्टी छोड़ा दूसरा बाल्टी ले तो मेरे को महाराज थे फिर मैं इनके मतलब दंडवत कर लिया फिर यहाँ से आ गया फिर सुबह मेरे को मेरे पास आके बोलते क्या दर्द लगा दर्द हुआ बोला नहीं दर्द क्यों होगा आप तो प्यार से मारे मेरे को तो इसीलिए कहते हैं कृष्ण गुरु रूपाणा शास्त्र प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे तो कृष्ण की गुरु रूप में ही आते हैं भक्त के कुछ शिक्षा देने के लिए भक्त को कृपा करने के लिए तो हमें इस महाराज के कुछ शिक्षा मिलता है क्या है इन्होंने परिक्रमा कर करके आएंगे परिक्रमा करके आने के बाद फिर वो क्या करेंगे फिर परिवेशन में रहेंगे वो परिवेशन करेंगे वो खाली ऐसे बैठेंगे नहीं कि ऐसे घूमते घूमते आदर्श नहीं देंगे वो करते रहते थे मैं सब देखता था क्योंकि मैं परिवेशन में रहता था इसलिए मैं इनके साथ भी बस में भी बैठता था परिक्रमा के साथ भी बस में भी बैठता था इनको क्या करते क्या नहीं वो मेरे को बोलते थे मैं अगर कई दिन बैठ जाऊँगा
तो मेरे को ढूंढते ढूंढते आ गए, दूर में भी देख लेगा तो मेरे को पहचान लेंगे। हाँ बैठ गया साला कामसोर, बैठ गया परमेश्वर कौन करेगा। उस डंडा पकड़ के मेरे को डंडा से मारते थे, कभी कभी भी हाथ में भी ऐसे मुट्ठी मारते थे। तो मैं बोला बारात मेरे को भूख लगने लगा है, बोला भूख लगा मेरे को भूख नहीं लगता है, मेरे को भूख नहीं लगता है। तो बाद चल एक बार परिवर्षण कर ले, फिर इसके बाद बैठ प्रसाद पा लेंगे। हाँ तो फिर मैं परिवर्षण करता था, तो एक ऐसे इनके साथ मजा मस्ती किया करता था। और मेरे साथ बहुत मजा मस्ती करते थे, बोलते तेरे गुरु जी ना बहुत अच्छा है, जो गुरु जी के बारे में बहुत बोलते थे, उसने तो याद नहीं होता है क्या क्या बोलते थे, बहुत मजा करते थे। फिर मैं एक उनको गुरु महाराज बोलते था, तो गुरु महाराज बोलते थे तो मेरे को गुरु महाराज क्यों बोलता है। तो मैं बोला कि हमारे मतलब गुरु जी के गुरु भाई बड़े भाई को गुरु महाराज बोलते हैं ना, गुरु जी के बड़े भाई है, गुरु बड़े गुरु भाई है, इसके लिए मैं गुरु महाराज बोलता। तो बोलते तेरे गुरु जी को पूछना तेरा गुरु जी मेरा गुरु भाई है कि क्या है। तो मैं बोला गुरु भाई तो है ना क्या, बोला भक्ति वेदांत श्रील भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज गुरुदेव के आपके शिष्य है। तो इन्होंने भी इन्होंने बोलते कि मेरे गुरुदेव के शिष्य ऐसे बोलते थे प्रणाम करते हैं। तो बोलते नहीं नहीं तेरे गुरु जी को बैठक तो पूछ के आना। बोला गुरु जी को क्यों पूछे, आप ये तो गुरु जी जैसे आप बता दो, मैं इनको ये बोलता था। तो बोले कि तेरे गुरु जी आओ मेरा चाचा गुरु। बोले चाचा गुरु कैसे लगते हैं ना, बोले कि तेरे परम गुरु जी जो भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज वो है हमारा श्री प्रभुपाद के शिष्य, तो भक्ति प्रज्ञान के सर्वसामी वो भी इनके शिष्य है। तो इस हिसाब से गुरु चाचा गुरु लगते। तो मैं बोला कि मेरे को सोचा था कि भक्ति रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के भक्ति प्रज्ञान के सर्वसामी के महाराज के शिष्य होंगे, मैं ये सोचा था, ऐसे वो बोले। फिर मुझे मजा मस्ती क्या करता था, बोलने के लिए तो बहुत समय है लेकिन इसलिए। फिर जब मथुरा परिक्रमा, हमें मथुरा परिक्रमा में तो आया करते थे, तो राधाष्टमी को तो हम भी जाते थे, में रहता था यहाँ से हम मथुरा जाते थे, वो मथुरा में आते थे, तो परिक्रमा जाते थे, परिक्रमा करने के लिए जाएंगे। तो मैं कभी कभी माधव गोसाई महाराज के साथ इधर अपना राजू प्रभु जो गुड्डू दीदी के घर पे यहाँ पे आ जाते थे, तो मैं इनके साथ आ जाऊँगा इधर, तो मेरे को पकड़ लेंगे, बोलेंगे ए तू इधर आ। बोले महाराज मैं इधर जाऊँगा। बोलता साला तू इधर जाएगा तो इधर कौन नाचेगा। मेरे को इनके मेरे को नाचे ना मेरा मेरे नाचने का इनको बहुत पसंद था। तो बोलते थे तू इधर जाएगा, नाचने के लिए बहुत लोग हैं इधर, इधर कोई नाचने के लिए नहीं है। मैं इनको मजा से बोलता था, बोला महाराज गुरु महाराज इधर तो कोई बजाने वाला नहीं है, गाने वाला नहीं है, तो मेरे को तो बजाना नहीं आता है, गाना नहीं आता है, खाली नाचना थोड़ा आता है। बस उधर बजाने वाला गाने वाला तो नहीं है कि मैं नाचूंगा कैसे। तो बोलता है मैं गाऊंगा मैं बजाऊंगा तू नाचेगा। वही तो बोलते थे, बहुत मजा किया करते थे। इनके इनके हमें इनके शिक्षा लेना चाहिए कि इन्होंने इतना परिक्रमा करके आएंगे, थकान होकर भी आएंगे, फिर भी परिवेषण करेंगे, परिवेषण के साथ फिर वाइपर लगाएंगे, वाइपर लगाने के बाद वो वाइपर में साथ भी साथ देते थे वाइपर लगाने के लिए, फिर बर्तन कहाँ रहेगा, फिर कुछ बचा हुआ चावल रोटी कुछ सब्जी बचा हुआ तो वो कहाँ रखा जाएगा, ये सब इनकी दायित्व है, ये सब जवाबदारी लेते थे। वो सब मैं देखता था इनके साथ बहुत रात को वैसे परिश्रम करते थे। तो इसलिए हम इनसे शिक्षा लेना चाहिए कि हम इन क्या है कि सेवा कर लिए तो दूसरा सेवा करने के लिए बोलता है मैं तो सेवा कर लिया दूसरा सेवा क्यों करूँगा, बस कोई भी करेगा जिसका सेवा वो करेगा, ऐसे सोचते हैं आप, लेकिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अगर इनसे फिर बस में उनको हमारे गुरुजी और भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज लोक में मारुत में आ जाएंगे, लेकिन वो मारुत में कभी नहीं आते थे, वो पैदल में चलते 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 आएंगे बस जहाँ रुका हुआ बस के पास, बस में बैठेंगे बस में जाएंगे। फिर मैं एक बार बोलेंगे बोल दिया महाराज गुरु महाराज आप
हमारे गुरुवर्ग सब हमारे गुरु जी और भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज भक्तिवेदांत गौण गोस्वामी महाराज वो सब मारुति में जाते, आप तो कभी मारुति में जा करो तो बोलते भगवान ने पैर क्यों दिया है चलने के लिए। बोला सही है लेकिन आप थक जाओगे ना इतना चलते चलते, तो हमें जवान हो गए हम भी थक जाते हैं। तो बोलते तू जवान है, बोलते मैं बूढ़ा हो गया बोला नहीं बूढ़ा नहीं हो। फिर जब मैं पहली बार इनको पास जाता था तो एक बार मैं मुझे मालूम नहीं है तो मैं वो मेरे को मतलब आ रहे थे गाड़ी में बैठ मैं मेरे ध्यान में कि गाड़ी में बैठना है, गाड़ी छूटने का टाइम था, मेरा लेट हो गया था आनी करके आते हुए, तो गाड़ी में बैठने के लिए जाता था तो मुझे ध्यान नहीं है कि वो जा रहे हैं, ताकि मैं प्रणाम नहीं कर पाया तो इन्होंने वो याद किया था रखा था। तो मेरे को फिर इतने परिक्रमा था भांडेरबन में, तो भांडेरबन में नाचते मैं नाचते नाचते इनके पास आ गया तो मैं इनको प्रणाम किया टाइम पे प्रणाम किया इधर। तो बोलता है इधर देखा प्रणाम नहीं किया, इधर प्रणाम करता है साला तो दंडा मारे मेरे को ज्यादा साला बोला। बोला महाराज मेरे ध्यान नहीं है देखा ही नहीं। तो बोलता है तू क्यों देखेगा, तू अभी बड़ा हो गया हाँ तो पहले लाल कपड़ा हो गया ना तेरा। और मेरे को महाराज बोलते थे, बोलते तू पुराना बहुत पुराना है, पता नहीं मेरे को महाराज क्यों बोलते थे। और मेरे बोलते महाराज तू महाराज बोले तू बहुत महाराज की तरह लगता है हाँ ऐसे बोलते थे मेरे। फिर इनके जो जब आए इन्होंने वृंदावन में आए कि दो तीन दिन रुके थे तो मैं इनको पूछा तो आप अभी कुछ मतलब परिक्रमा कुछ नहीं है आप अभी क्यों आए वृंदावन में। तो बोलते क्यों तू ही आएगा तू ही रहेगा मैं नहीं आऊँगा क्यों मेरा आने का अधिकार नहीं है। बोले नहीं ऐसे बात नहीं लेकिन आप तो परिक्रमा में ही आया करते थे अभी तो कुछ परिक्रमा कुछ नहीं है आप कैसे आ गए ना इधर ऐसे कुछ काम था इसलिए हमारे शिष्य बोला है इसीलिए आया ऐसे। बोले मजा करते थे बहुत मजा किया करते लेकिन याद तो नहीं होता है बहुत दिल के साथ मजा किया करता है याद तो नहीं हो रहे बहुत कुछ बोलते याद नहीं हो रहे। वंशाकल्प से कृपा सिंधु पति का नाम पावन वैष्णव जो नाम है गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरि हरि राम 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 हरि हरि बोल हरे कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्रिला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सतय श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पर गुरुपाद पद्म नित्रिला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सतय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। श्रील भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण श्री श्री तीर्थ महाराज जी के कहते श्री जब मैं जगन्नाथपुरी में था
मेरे मन में बड़ी इच्छा हुआ करती थी मैं हरि कथा सुनूं। हरि कथा सुनने का मेरे मन में बड़ी इच्छा रहती थी। तो एक चीज होता है, पहले जब तक कोई चीज लक्ष्य नहीं होता है ना, आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य विहीन व्यक्ति कुछ लक्ष्य होगा ना, फिर उसको पाने के लिए आप फिर चेष्टा करो। इसलिए मैं क्या करता था, हमारे मंदिर वहाँ है और उनको जो गौड़ी वेदांत समिति का मंदिर, हरिदास ठाकुर के मंदिर को एक नंदन प्रभु रहते थे, अभी माधव महाराज का भैया है, प्रभु की कथा प्रचार प्रसार ग्रंथ प्रकाश आदि वहीं पर होता था। इसलिए विशेष करके हमारे गुरुवर्गो ने ये नहीं देखा, चुपचाप बैठा। इसलिए मेरे मन में बड़ी इच्छा रहती थी हम हरिकथा के सीखे। तो इन्होंने, मैंने जब इनको बोला तब इन्होंने ही एक पत्र लिखा, नंदनंदन प्रभु ने एक पत्र लिख करके, पत्र उन्होंने किसको पास में लिखा, उस समय भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज मथुरा मठ में रहते थे, मेरे को बोलते थे आप मथुरा मठ में चले जाओ, वहां पर एक भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एक है। और उसी समय में भी मैंने सुना था दो व्यक्ति इसी समय में बड़ी सुंदर अच्छे हरिकथा सुनाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। बोले कौन है, बोले मथुरा में एक भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और श्री भुवनेश्वर में श्री गौर गोविंद महाराज, ये दो व्यक्ति हैं। और हमारे गुरुदेव का उम्र ज्यादा हो गया था, अभी हरिकथा गुरुदेव बोलना बंद कर चुके थे, कलकत्ता मठ में ज्यादा रहते थे। इसलिए इनको जब ये बात पता चला तब इन्होंने मेरे को एक पत्र लिख करके, किसके पास में पत्र लिखे, तीर्थ महाराज के पास में, उस समय में उनका नाम था शुभानंद प्रभु। बोले देखो ये पत्र मैं लिख देता हूँ, आप चले जाओ कहाँ पर, मथुरा में चले जाओ, वहाँ पर भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और भक्तिवेद श्री जो शुभानंद प्रभु, वो मठ को जो इंचार्ज देखभाल सब कुछ वही करते हैं, आप उनको पास में चले जाओ, फिर वहीं पर रह करके आप सारे शास्त्र ग्रंथ हरिकथा सब सीख सकते हैं। क्यों, उन्होंने पहले वहीं पर रहे और उन्होंने भी वहीं पर हरिकथा सीखी। तो इन्होंने पत्र में ही, इन्होंने शुभानंद प्रभु को उन्होंने पत्र में ये लिखा, बोले हे शुभानंद प्रभु जी, मैंने एक ब्रह्मचारी को आपको पास में भेज रहा हूँ, आपका मेरी प्रति जो श्रद्धा प्रेम जो भक्ति, मेरे को जो प्यार करते थे, आप ये सारे प्रेम भक्ति आप ये बच्चे को दे देना। इसलिए ये बोल करके ये पत्र लिख करके मेरे हाथ में, और पुरी से उन्होंने टिकट बनाया उत्कल में, हैं, यहाँ से उत्कल में टिकट बनाया और टिकट बना करके मेरे को उन्होंने मथुरा में भेजे। और मैंने मथुरा में जा करके सबसे पहले ये पत्र मैंने ये तीर्थ महाराज को दिखाया, हैं, शुभानंद प्रभु को दिखाया, ऐसे ऐसे नंदन प्रभु वहां से पत्र भेजे। तो उन्होंने पत्र को पढ़ा, पत्र पढ़ करके बोले ठीक है, हैं, ठीक है तुम यहाँ रहा करो। फिर हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को पास में ले गए, बोले ये पूरी से ये आए हैं और यहाँ रहना चाहते हैं, हैं, आपका श्री चरण में रहना चाहते हैं। तब फिर मैंने मथुरा में रहा, जब मथुरा में रहा उसी समय में जो तीर्थ महाराज संस्कृत थोड़ी बहुत संस्कृत पता था, इसलिए और मैंने जब ये हरिकथा बोलते थे, हाँ इनकी हरिकथा सुन करके तो मैं तो बड़ा प्रभाव डाली, हरिकथा सुन करके मैं तो बड़ा अच्छा लगा, बोले वाह इतने सुंदर हरिकथा बोलते हैं, हैं, इतने सुंदर कथा सुनाते हैं। इसलिए फिर मैंने इनको बोला आप मेरे को भी कुछ हरिकथा सिखाओ और मेरे को भी कुछ श्लोक पढ़ाओ। तब इन्होंने, जब मैंने इनको पास में गए, बोले गौड़ीय कंठार कुछ मुखस्त किए हो, पहले मैं रहता था पुरी में, उस समय गौड़ीय कंठार में थोड़ी बहुत श्लोक, जैसे गुरु तत्व का कुछ श्लोक, थोड़ी बहुत, कोई इतना कोई श्लोक नहीं, मैंने थोड़ी बहुत श्लोक याद किया था। बोले ये गौड़ीय कंठार से एक एक रोज रोज एक एक श्लोक तो पढ़ाए करो, पढ़ करके एक एक श्लोक मेरे को सुनाओ। और बोले आपको शिक्षाष्टक याद है और उपदेशामृत याद है और मन शिक्षा याद है, बोले जो तीन ग्रंथ है, कहते ये तीन ग्रंथ का जो श्लोक है पहले इसको, ये श्लोक को भी याद किया करो, हैं। फिर मैं कभी कभी श्लोक पढ़ करके, जैसे अभी हमारे
अब बधाई ने महाराज, जैसे तुम लोगों को जितने अच्छे तरह से पढ़ा देना, हमारी समिति में कोई भी इतने अच्छे तरह से नहीं पढ़ा रहे। जैसे एक एक है, एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं, फिर खड़ी करके पूछते हैं, फिर वहां पर कहते एक एक मीनिंग को बताओ, फिर बैठा करके बुलवाते हैं ना, ये कई बार नहीं है। मथुरा में गुरुदेव बोलते थे ये एक श्लोक की याद करो, दूसरे दिन पूछते थे, इतना बोल देते थे, लेकिन इतने डिटेल से रूप में महाराज जैसे पढ़ाते भैया कहीं नहीं किसी ने पढ़ाया, अभी भी कोई नहीं पढ़ा रही। इतने मथुरा में वृंदावन में परमेश्वर गुरु पढ़ाते हैं, लेकिन इतना संस्कृत के ज्ञान को साथ में कोई नहीं पढ़ाते। इसलिए सर्वप्रथम मैंने इनको पास में रहे और इनकी हरिकथा सुन करके मैंने पढ़ा, मेरे को अच्छी लगी बोले बा। और जब हरिकथा है, जैसे जब हम मथुरा में रहते थे, गुरुदेव सभी को बोलने का चांस देते थे, जैसे रूप गोस्वामी की तिथि, सनातन गोस्वामी, प्रभुपाद, भक्ति प्रज्ञान के सबका तिथि में गुरुदेव सबको चांस देते थे बोलने के लिए। और गुरुदेव सिखाया करते थे जोर जबरदस्ती, नहीं बोल पालने पर भी जोर जबरदस्ती बोलते थे। इसलिए उसी समय में हम लोग जितने थे करी करी, जैसे तुम लोग अंदर में अभी एक को देख कर दूसरे अंदर में उत्साह होता है, तीसरे को देख कर, उसी समय में भी हम लोग अंदर में कौन कौन, एक तीर्थ महाराज, माधव महाराज, वन महाराज, और एक कृष्ण चांद था, कृष्ण प्रेम था एक, और कालाचंद प्रभु, अभी जो भक्ति सार महाराज है। इसलिए उस समय में प्रेमानंद प्रभु, ये भी वहां पर एक ग्रुप थे, वहां पर भी एक ग्रुप थे। इसलिए हम लोग गुरुवर्ग का तिथि में हमें पता है गुरुदेव खड़े करेंगे, इसलिए हम लोग को पहले जो प्रिपरेशन होते थे बोलने के लिए है, और चाहते थे गुरुदेव सबसे पहले हमें खड़े कर दे, क्योंकि उनका जीवन चरित्र लिमिट होता है, जो पहले बोल देगा फिर बाद में गुरुदेव का विचार था उसको तुम रिपीटेशन नहीं कर सकते हो, इसलिए हम पहले से तैयारी होते थे। लेकिन ये तीर्थ महाराज ऐसे के थे, ये कभी तैयार ही होते हुए हम कभी देखा नहीं, कभी भी नहीं देखा। और तुम लोग जो बोल रहे थे ना, जो सेवा करते थे, तुम लोग तो साक्षात रूप में देखा नहीं, हम लोग जो पहले मंदिर में हमने साक्षात रूप में देखा, जो बड़े बड़े उत्सव होते थे महाराज जी, हम तो ऐसे परिश्रम हमारे लिए असंभव है। कमर में एक कपड़े बांध देते थे, हैं गामछा पहन लेते थे, और सर पर कभी कभी सर में एक पगड़ी जैसे जैसे ऐसे बांध देते थे, और लकड़ी का, अभी कोई रोसई कैसे, लकड़ी का रोसे में होता था, लकड़ी में क्या गर्मी, मथुरा में छोटा सा घर है, आग जल रही है अंदर में, और वहां पर दो चूल्हे, चूल्हा है लकड़ी का, शरीर से पसीना पसीना बह रहा है, तुम देख करके भी सोच नहीं सकते, क्या परिश्रम करते थे, ऐसे परिश्रम करके रसोई बनाया करते थे। और जो रसोई बनाते बनाते जब गुरुदेव, जब वहां पर गुरुदेव सबको चांस देते थे, जब हरिकथा बोल का चांस होता ना, वो रसोई करते करते कभी आ जाते थे, बस गुरुदेव उनको जो बोलते थे हैं, सबसे अलग बोलते थे, सबसे वो अलग बोलते थे। अगर आज कोई बता रहे थे ना, अगर गुरुदेव उनको कोई अगर गुरुदेव कथा बोलने के लिए चांस नहीं दिया, बस क्रोध खाना बना बंद कर देंगे, बोले गुरुदेव आज मेरे को कथा बोलने के लिए चांस नहीं दिया। मतलब वो कहते थे हमारी ब्रह्मचारी को अगर किसको बोलना कथा बोलने का, कोई छुप जाते, अरे कथा बोलना पड़ेगा, वो कहते हैं कथा तुम लोग ऐसे क्या करते हो, गुरुदेव कथा बोलने के लिए जाते हो तुम डरते हैं, अगर हमें कथा बोलने नहीं दे ना, अगर हमें कथा बोलने नहीं दे तो हमें क्रोध आता है, हमको कथा बोलने नहीं दिया हमारा पेट में रोटी हजम नहीं होता है, और तुम लोग बोलने के लिए डरते हो, क्या डरते हो है, डरते हो क्या। और जो बोलते थे ना धड़ाधड़ पता नहीं कौन सा ग्रंथ, कौन सा शास्त्र, कहाँ से उनकी श्लोक याद है, हाँ ब्रह्म सूत्र भागवत पता नहीं कहाँ से इनका श्लोक याद, जब बोलते थे ना धड़ाधड़ बोलते जाते थे। बोले कारण क्या है, इनके हृदय में इतने, और आए थे कितने उम्र में, मतलब 12 साल में एकदम छोटे वैसे, और पढ़ाई कितना था 6 क्लास। हम अभी जितने हम लोग जो आचार्य जितने हैं, सबसे अगर किसका कम पढ़ाई इनकी है, केवल 6 क्लास पढ़ाई इनकी है। और एक गांव में, जैसे मेरे जैसे गांव है, इसी गांव के लड़के हैं, अभी प्रश्न है, पर इनकी स्मरण शक्ति, इतने बुद्धि और
पूरा अभी प्रेसिडेंट थे, हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, सबसे पढ़ाई नीचे था लेकिन थे सबसे ऊंचे पद, सबसे ज्यादा शिष्य अगर किसका है, इनका शिष्य है। यहाँ पर शिक्षा क्या है, शिक्षा ये है, कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं अगर हमारी लिखाई पढ़ाई ज्यादा नहीं होना हरे फिर कैसे हम भजन करेंगे, कैसे हम शास्त्र पढ़ेंगे, क्या करेंगे, नहीं। इसलिए हैं, इसलिए न अयम आत्मा प्रवचने न लभ न मेधया न बहुनास्तते न जम वैसे वृणुते न लभ्य तसैस आत्मा विभुते तन्यश्याम। इसलिए भगवान जिसको कृपा करके देते हैं, और कब देते हैं, बोले सेवा की जो भावना हो, इसलिए उन्होंने हमारे भक्तिवेद नारायण गोस्वामी महाराज का पहला सेवक उन्होंने ये महाराज थे, गुरुदेव का सेवक। जब श्री हमारे श्री माधव महाराज जी आए, फिर इन्होंने ग्रंथ प्रकाश रोषी बनना, फिर बंगाल में प्रचार में जाना, बंगाल में फिर माधव महाराज जी फिर सेवा करना शुरू किया, लेकिन पहले तीर्थ महाराज गुरु जी की सेवा तीर्थ महाराज करते थे। और इनके अंदर में हम कहते ना महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान जहा देखी तुष्ट हन गौर भगवान, इनके अंदर पूरा एक चीज दिखाई पड़ता है। तुम लोग तो देखे होंगे, इधर कहते ना जूता सिलाई से चंडी पाठ, समझ रहे हो, जूता सिलाई से चंडी पाठ है, जूता सिलाई कौन करते हैं, मोची, चंडी पाठ को करते ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण करते हैं। इनकी अंदर में ये सारे गुण विद्यमान था, ऐसे कोई सेवा नहीं। अभी बता रहे थे ना एक बार क्या हुआ, उन्होंने जो रूप सनातन मठ को है इन्होंने ही पूरा के पूरा अपना हाथों से, उन्होंने अपना हाथों से बनाया। उन्होंने रोज हम रहते थे कहाँ पर, मथुरा में रहते थे महाराज जी, सवेरे चले जाते थे, एकदम सवेरे चले जाते थे वृंदावन, दिन भर अक्लांत परिश्रम करते हुए मजदूरों को साथ में रह करके, हाँ उनको साथ में अक्लांत परिश्रम करते 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 वो मंदिर को उन्होंने अक्लांत परिश्रम करके बनाए। उस समय गुरु जी रहते थे मथुरा में, इनको ही भेजते थे काम करने के लिए, हैं, इसलिए वो मंदिर में कैसे बना क्या बना इनको एक एक चीज पता है। इसलिए कभी वहां पर यात्री लोग आपको देखा पता हो कितने एक साथ में जाते में रहते हैं, पहले तो ऊपर फ्लोर में भी सोते थे, एकदम पायखाना कभी कभी एकदम भर जाता था, हैं, इतना लोग रहते हैं पायखाना भर जाता था। एक बार पायखाना भर गया और पायखाना एकदम बाहर निकल करके आ गया, हैं, एकदम मंदिर मंदिर फिर हो गया। महाराज जी स्वयं, उनको सारे पता है ना किधर नाली गई नहीं गई, उनको सब पता है। महाराज स्वयं जा करके पत्थर उठा करके अपना हाथों से है ये नाली को साफ करके पूरा एकदम छतर से साफ करके स्वयं लग गए। इसलिए उनके अंदर में ये भावना नहीं होता था, अरे हम एक सन्यासी है, एक आचार्य है, एक हम प्रेसिडेंट है, अरे ये छोटा सा छोटा काम कैसे करेंगे, ये नहीं सोचते थे। कोई कोई सेवा के लिए कोई नहीं होगा ना, बात स्वयं लग पड़ेंगे, स्वयं लग पड़ेंगे, रसोई बनाना, इनके हाथ का जो प्रसाद है हम लोग तो खा ही नहीं, ये इतने टेस्ट है ना, इतने टेस्ट इनका, एकदम चटरपटर एकदम बढ़िया रसोई बना देते ये, हैं, एक नंबर का रसोई इनका हाथ में, बड़ा सुंदर रसोई बनाते थे। इसलिए परिक्रमा में देखे होंगे अगर कोई नई परिक्रमा में निकलने के लिए क्या करते थे, ये वृद्धों को गले में लटका लेते, और जो बड़ा झांप है ना, कहाँ के बड़ा झांप, उसका अपना सर पर रख लेंगे, हैं, दोनों झांप का अपना सर पर रख लेंगे और ये वृद्धों को गले में लटका देंगे और गाली दे कर, जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना, गाली दे करके, ए साले गए कहां सबके सब, अभी तक निकले नहीं, ए साहब गाली दे करके सबको, स्वयं कोई नहीं होने पर स्वयं बाहर निकले जाएंगे, और जो कांसारी एक लेकर जोर 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 से पिटना शुरू कर देंगे, जोर जोर से पिटना शुरू कर देंगे, और सब सुन करके जब आएंगे फिर महाराज कभी कभी गाली देना शुरू कर दे सबको, और सबको लेकर के परिक्रमा में सबको लेकर के महाराज जी चलना शुरू कर देते थे। इसलिए महाराज जी हम कहते हैं इनके तीन मृदंग है, कहते एक मृदंग है जो मृदंग है, दूसरा मृदंग एक बृहत मृदंग और एक जीवंत मृदंग, जीवंत मृदंग, तो ये तीनों मृदंग में इनका पूरा जीवन दिखाई पड़ता है। पहला मृदंग है कदी जो मृदंग है, कोई नहीं रहेगा ना महाराज, स्वयं मृदंग बजा करके जैसे प्रचार करने के लिए बंगाल में जाते हैं महाराज जी प्रचार करने के लिए, अभी तो थोड़ी सी वहां रोड बन गया, लेकिन जब से महाराज जाते थे पहले पहले प्रचार करने के लिए, कितने सालों से मैं जब से देखा तुम सोच नहीं सकते, क्योंकि बंगाल में सब मांस मछली खाने वाले,
उस समय क्या करते थे, रास्ता नहीं होता था, सारे बिस्तरा को, बेडिंग बिस्तरा को सर पर रख करके, जो मिट्टी होता है ना, कादा होता है, हैं, जो कीचड़, चलते चलते एक गांव से दूसरे गांव, और जो बर्तन होता था सारे बर्तन को बांध देते थे एक बोरी को अंदर में, इसको भी सर में लेकर के ब्रह्मचारी लोग एक गांव से चलते 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 दूसरे गांव में जाएंगे, वहां पर 4-5 दिन रहेंगे, अपना हाथों से बनाएंगे, अपना हाथों से खाएंगे, और जितने लोग आएंगे वहां पर जो कथा सुनने के लिए, फिर बना करके सभी को खिलाएंगे, खिला करके लास्ट में भोजन करेंगे। कोई रसोई बनाने के लिए नहीं रहेगा तो कथा करने वाले भी यही है, और रसोई बनाने अगर कोई लगे हुए नहीं होगा तो रसोई बनाने वाले भी है, और सबको खिला कर खाने वाले भी यही है। तुम लोग कितना देखे पता नहीं, जब हम थे उस समय में, जब तक सभी व्यक्ति भोजन नहीं कर लेंगे तब तक महाराज जी भोजन नहीं करेंगे, सबको खिला करके, हैं, हम लोग क्या करते थे, जैसे माधवर हम लोग प्रसाद पा लेते थे, लेकिन वो प्रसाद नहीं पाते थे, बोले नहीं अभी तो जो हमारे घर में अतिथि आए वो लोग प्रसाद नहीं पाए, हम कैसे प्रसाद पा लेंगे, हम कैसे, अतिथि हमारे घर में आए, ये लोग जात्री अतिथि है, हैं, इसलिए हम कैसे, पहले कैसे प्रसाद पा लेंगे, सबको खिला करके जा करके तो खाते थे। इसलिए पहला मृदंग है, उनका भजन तो सुना है, कोई नहीं होगा, महाराज बड़े, इनका गला भी सुंदर है, हैं, इसलिए कीर्तन करते थे। और दूसरा मृदंग बृहत मृदंग, आप देखे होंगे उनका कलम कभी बंद नहीं होता था, सारे सेवा करते थे, अद्भुत है, ये सारे सेवा करते थे, और ये दशम स्कंध जो ग्रंथ निकला है इन्होंने ही निकाले, और सब टीकाओं को देख करके, अलग अलग विभिन्न जगह के टीकाओं को देख करके इन्होंने ये ग्रंथ को निकाले, और गुरुदेव रहते समय इनको पास में बैठा करके यही लिखा करते थे, और गुरुदेव बोलते थे, यही लिखते थे, हैं। उसको बाद में भी इन्होंने केवल 6 क्लास पढ़ा, 6 क्लास पढ़ करके संस्कृत, अगर थोड़ी बहुत इन्होंने संस्कृत पढ़ा इधर, है, और लिखनी इनकी है आकर की, ये सारे सेवा करते हुए भी ये ग्रंथ लिखा करते थे, हैं, ग्रंथ लिखते थे, इसलिए उन्होंने बृहत मृदंग ग्रंथ को बृहत मृदंग बताया। ये बृहत मृदंग में भी इनका बहुत हाथ है, कहते जो जीवंत मृदंग है, जीवंत मृदंग किसको कहते हैं, जो साक्षात रूप में जो हरि कथा को प्रचार करे। और महाप्रभु का जो भविष्यवाणी किया था, पृथ्वी ते आछे जात नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हरि महाराज, इन्होंने सचमुच से पूरा बंगाल का जो फील्ड निकाली, पूरा बंगाल का फील्ड, प्रभु जी बता रहे थे ना, जब तक हम वहां नहीं जाएंगे ना, तुमको पता है कितना मंदिर वहां बनाए, महाराज बोलते थे कल मैं तो 15-16 मंदिर वहां पर बना के आए, 15-16 मंदिर उन्होंने उधर अलग अलग जगह पर, उन्होंने नाम हाट बना दिया है, और कहाँ कहाँ कर मंदिर है विशेष करके, लक्ष्मीकांतपुर और है के काशीनगर है, इसलिए काशीनगर वहां पर बड़ा जगह है, इसलिए बड़े मंदिर, और सब छोटे मंदिर अभी जहाँ पर तमाल प्रभु जहाँ पर रहते थे, वो भी मंदिर इन्हीं कोई महाराज को भी दिया हुआ था, हाँ बरसाना में, हाँ आगरा के पास में, और एक जहाँ पर गंगा सागर हम सुन रहा था वहां पर बहुत बड़ी जगह, कोई इनको बहुत बड़ी कोई जगह दे रही थी, और मथुरा में और एक जगह है जहाँ पर कितने एकड़ जगह उन्होंने इनको दे रहे थे, बहुत बड़ा एकड़ जगह इनको दे रहे थे, हाँ। इसलिए महाराज जी इतने मंदिर को महाराज जी संभाल करके, हाँ, पूरा बंगाल में प्रचार फेरे, उत्तर प्रदेश में ही, फिर उन्होंने चाइना भी जाते थे, ऑस्ट्रेलिया भी गए, अमेरिका में भी गए, हैं, रशिया भी, अभी रशिया जाने का था महाराज जी को, भी है। इसलिए देखो उन्होंने संपूर्ण महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, एक दिन ऐसा आएगा सब लोग सुखी होकर के मेरे नाम कीर्तन करेंगे, सर्वत्र महाप्रभु का वाणी प्रचार प्रसार और होगा, और महाप्रभु का इनका जीवन में देखो इन्होंने सर्वत्र जा करके प्रचार किया है, और इनका रहना सहना, इनका जो कपड़ा लता देख लेना, कैसे कपड़ा लता पहनते देख लेना, अरे जो मिला वही पहन लिया है। हम लोग कहते ना हमारे लायक ऐसे कुर्ता होनी चाहिए,
ऐसे कपड़ा होने चाहिए जाकर हम जाकर पहनेंगे, नहीं तो नहीं पहनेंगे। लेकिन उनको ऐसे नहीं, जो मिला है ना है, जो मिला उसको ही काट कूट करके है। अब देखना कभी उतरिएगा अलग अलग रंग का होगा, यानी कुर्ता एक अलग रंग का होगा, पहनने वाले एक अलग, तीनों ही तीन रंग का होगा, तीनों ही तीन रंग का है महाराज का। इसलिए एक बार महाराज के साथ हम प्रचार के लिए गए थे है, प्रचार के लिए गए थे, और महाराज ने सीधा मैं महाराज को बोल दिया, बोले महाराज जी आप अभी कथा कर रहे हो है, कथा कर रहे हो हाँ, अभी घर घर में जा रहे हैं, इतने थोड़ी सी तो अच्छा पहना करो। तो नहीं, महाप्रभु का ये शिक्षा नहीं है, महाप्रभु भक्त जो तो वैराग्य प्रधान, महाप्रभु का भक्त लोग वैराग्य रहते हैं, हम लोग इतने एकदम टीप टप का एकदम बढ़िया नहीं पहनने चाहिए है। ये महाप्रभु हमारे गुरुवर्ग का ये शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा गुरुवर्ग का नहीं। इसलिए उन्होंने लास्ट तक भी ऐसे ही रहना सहना, और जो कुछ खाना मिल जाए, देखो और एक चीज जैसे परिक्रमा में जाते है ना, जैसे हम लोगों के लिए माधव महाराज में बन महाराज सभी के लिए भक्त लोग कुछ बना कर ले आते, तीर्थ महाराज के लिए कुछ नहीं। और मैं क्या करता था, तीर्थ महाराज के लिए अलग प्लेट लगा लेता था हाँ, अपना साथ में तीर्थ महाराज। महाराज बोलते नहीं, एक अच्छी बात बोलते थे महाराज, बोलते थे देखो हमारे नारायण गोस्वामी महाराज जब सब लोग प्रसाद पाते हैं, जब उनको साथ में प्रसाद पाओ, अलग कोई चीज नहीं चाहिए, जब कहीं अलग तुम प्रसाद पाते हो अलग प्रसाद पाया करो। लेकिन जब सभी को साथ में जब हम खाद प्रसाद पाते हैं, सब लोग जो पाते हो वही पानी चाहिए, नहीं तो वो कहते थे वो जहर खाना है, वो कहते थे मतलब वो जहर खाना है। इसे सभी को साथ में जो पाओ, सभी लोग जो पाते हैं वही चीज को ही पाया करना। इसलिए महाराज मेरे को बहुत बार उन्होंने डांटे महाराज है, महाराज बोले देखो महाराज जी ऐसे ठीक नहीं है, है? मैंने कहा महाराज जी आप सही बता रहे हो है, सही बता रहे हो, मतलब ऐसे दीनहीन रूप में रह करके जिंदगी भर गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए हैं, और सेवा करते हुए, और वैष्णव का जो सर्वप्रथम गुण क्या है, 26 गुण में कृपालु अकृत द्रोह सत्य सहन सम, पहला जो गुण है कृपालु, कहिए तो कृपा के मूर्तिमान। आप इनको पास में जाओ, किसी समय में भी जाओ, कोई चीज मांगो इनको, कोई चीज मांगो, महाराज जी कपड़ा नहीं ले, एकदम निकाल कर दे दे, ले ले महाराज जी हमें पैसा चाहिए, ले कितना पैसा चाहिए, कोई बोल नहीं कितना पैसा चाहिए, लो पैसा दे दो। इसलिए कभी किसी को मना करते हुए हमने कभी देखा नहीं महाराज को, कभी उन्होंने किसी चीज को मना की है। उनके पास में जब तक तो कोई चीज होगा ना, देखो जैसे परिक्रमा चलाया करते थे, इतना आसानी नहीं, नवद्वीप परिक्रमा में गए हो, कौन कौन गए नवद्वीप परिक्रमा, देख रहे थे कितना लोग प्रसाद पा रहे थे, कितने लोग प्रसाद पा रहे थे, कोई रोक ठोक नहीं, हजार हजार लोग आ रहे हैं और उधर बन रहा है और कितने प्रसाद पा रहे हैं। और वहां के तुमको पता है कितना कलेक्शन होता है, मैं पिछली बार पूछा भारती महाराज को, बोले महाराज जी परिक्रमा तो कर 10,000 लोग दिख रहे हैं, इसमें कितने लोग टिकट बनाए, बोले कुल 2,500 लोग टिकट बनाए, 2,500 कितना पैसा, 500 रुपया है, हैं हाँ, कोई 300 रुपया 40 रुपया 500 रुपया ऐसे कुछ देते हैं, बोले कितना पैसा हुआ है, वो कुछ नहीं, लेकिन खर्चा कितना हुआ है, मुझे लगता है 25 लाख तक ऐसे कुछ होगा। महाराज जी मैं तो वहाँ पर जो मैं कोशिश करता था थोड़ा बहुत पैसा महाराज को देने के लिए है, महाराज को लेकर के कुछ पैसा देने के लिए महाप्रभु की सेवा में मैं लेकर देता था, महाराज जी इसको महाप्रभु सेवा में लगा दो। इसलिए महाराज पिछली बार क्या हुआ, चाइनीज लोग थोड़ा ज्यादा सेवा करते थे, लेकिन इस बार चाइनीज लोग आए नहीं, कोरोना की वजह से आए नहीं, तो महाराज जी बोल रहे थे इस बार तो बड़ा गड़बड़ी है, है? लेकिन इतना पैसा पैंडल ही 5 लाख रुपया, रोसी बनाने वाले 2-3 लाख रुपया रोसी बनाने वाले ले आए, और सब्जी इधर उधर से है बाबर इतना, और जो जो जात्रियों से जो कलेक्शन, जो दूसरे दूसरे मंदिर में जो जात्री है ना, एक साल में इतने कलेक्शन वो लोग करते हैं, एक बार कलेक्शन का सारा साल उसी पैसा से चलता है। लेकिन हमारे मंदिर में उल्टा है, अपना हाथों से पैसा दे करके इनको नवद्वीप मठ को खिलाना, और मंदिर के सजाते हैं हाँ, कितना लाइट फाइट, और यात्रा करने वाले एक साथ में देखो कितना एक साथ में चलता है, उस तरफ में कथा चलती है उनके घर को सामने, वहां पर भी कोई नाटक फाटक कोई महाप्रभु का कथा,
पर नाट मंदिर में अलग बंगला कथा, हिंदी कथा, अंग्रेजी कथा होती है, हैं? वहां पर कभी कभी नाटक, फिर गुरु जी का समाधि में हम लोग बैठ करके हिंदी भाषा में एक साथ में तीन तीन जगह में एक साथ में प्रोग्राम वहाँ चलती है। और नाट मंदिर कितने विशाल और हजार हजार लोग पूरा नवद्वीप में, पहले जैसे उधर एक मंदिर है ना जो जल मंदिर है भक्ति रेखे श्रीधर गोस्वामी महाराज देवानंद गौड़ी मठ, पहले बहुत भीड़ होता था, लेकिन जब से हमारी मंदिर हो गया ना उनका भीड़ सारा खत्म, सारे भीड़ खत्म हो गया और सारे को सारे टूट पड़े कहाँ पर, हमारी वहां पर। और जो प्रसाद है ना, एक लोग को मैंने पूछा भाई, मैं प्रसाद के बाद घूमने के लिए गया, मैंने तो बोला अपने कत दूर थे गए इससे, बोला पाँच छः किलोमीटर तक आया, बोले किसी लिए, बोले मैंने तो सुना है सभी के लिए यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है, इतना दूर मतलब इतना दूर तो वो सब गाँव में करके 10 दिन तक तो किसी के घर में खाना ही नहीं बनता, प्रसाद पाते हैं और थाली भर करके सबके सब घर में ले जाते हैं, इसलिए इतने लोगों को हृदय से खोला करके ये सभी के लिए प्रसाद की जो व्यवस्था करना है ना, ये आसानी बात नहीं, इसलिए सभी का दिमाग में भी सभी को सोचने, सभी लोग अभी सोचने में यही चीज में पड़े गए, अभी ये परिक्रमा चलाएंगे कैसे, ये तीर्थ महाराज ये परिक्रमा चला देते थे, ब्रजमंडल का परिक्रमा, बंगाल से कितना लोग आते थे, कितना लोग आते थे, गरीब लोग आते थे, हैं? और रहते थे कि कोई कोई डेढ़ डेढ़ महीना रहते थे, कितना पैसा 2,500-3,000 दूसरे दूसरे मंदिर में जाओ कोई 5,000 दूसरे मंदिर में 12-15-16,000 करके एक महीना के लिए परिक्रमा, और यहाँ पर 2,500-3,000 में पूरा डेढ़ महीना परिक्रमा डेढ़ महीना, इसलिए कहते ये तीर्थ महाराज का है, ये तीर्थ महाराज का आशीर्वाद से ही, इनकी चेष्टा से ही वो करते थे और मिल जाता था, किसी ना किसी तरह से इनको पैसा है ना, किसी ना किसी तरह से पैसा इनको हो जाता था, इसलिए इनका उदार हृदय वजह से ये सारे काम अभी इनके उदार हृदय का वजह से चलते थे, इसलिए रात बहुत हो गया है, इसलिए इसलिए हम भी इनको चरण में प्रार्थना करते हैं, ये हम सभी को ऊपर में कृपा करे, इन्होंने जैसे आदर से दिखा कर गए और जैसे भजन गुरु वैष्णव की सेवा किए, कहते इनकी जो सेवा की जो वृत्ति है चित्त वृत्ति, अभी ये बता रहे थे ना जो परिक्रमा में ब्रजमंडल परिक्रमा हो रहा था, अब इसने कहाँ पर जहाँ पर चीरी घाट में महाराज का तबीयत बहुत खराब हो गया था, महाराज को चला नहीं जा रहा था, हैं महाराज को और चला नहीं जा रहा था, महाराज को बड़ा कष्ट हो रहा था, इतने में मैंने बोला महाराज जी मेरे खुद बोले, बोले मेरी तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत अच्छा नहीं, मेरे महाराज जी मेरे साथ में, हम कार में चले जाते थे, फिर मेरे साथ में बैठ कर चले जाते, बोले ठीक है आप थोड़ी सी वेट करो, मैं यात्री लोग बैठ जाए फिर मैं आपको साथ में कार में बैठ कर चला जाऊँगा, मैं उनके लिए वेट किया, लेकिन वेट किया तो महाराज सभी को बैठा करके बोले ये यात्रियों को छोड़कर मैं कैसे कार में जाऊँ, फिर महाराज जी क्या किया मैं साथ में नहीं आई, फिर उसी बस में बैठ करके आई कहाँ पर, फिर बैठ करके जो सही जहाँ पर ब्रह्मा जी बच्चों को चुराया था, हाँ मतलब इनकी यात्रियों को प्रति, इसलिए अभी भी कोई जो यात्री लोग है ना वो लोग कह रहे हैं अभी हमारे महाराज जी नहीं रहे और हम परिक्रमा में नहीं आएंगे, परिक्रमा में क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो करते थे जैसे करते थे इतना हमारे लिए कौन करेगा, हमारे लिए इतना कौन करेगा, हमारे लिए इतना ऐसे ऐसे उन्होंने इनकी इतने ममता इनके प्रति इतना प्रेम था, क्यों गांव गांव में जाते थे देखते थे गांव का लोग कैसे हैं, और वहां पर है ना एक पैसा है ना गांव में तुम पता होगा तुम लोग कहीं गांव का एक एक पैसा वहां पर 2,500-3,000 भी लेकर के आना बड़ा कठिन है उनके लिए, ये भी बड़ा कठिन है, हैं मतलब ऐसे, और केवल बंगाली लोग ही ऐसे हैं जो एक डेढ़ महीना आकर रुकते हैं, और हिंदी भाषी तो कोई नहीं रुकते, विदेश लोग कोई आकर रुक जाते हैं, हैं इसलिए इनका जो अभाव पूर्ण करना बड़ा कठिन है, इसलिए हम सबको ऊपर आशीर्वाद कृपा करें, जैसे ये जैसे सेवा चलाया करते थे जैसे ये सेवा जैसे कंटिन्यू चले महाप्रभु का इनका आशीर्वाद से, इसलिए ये सबको ऊपर में ये ऐसे आशीर्वाद करते रहे, बोले श्री भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज की, हाँ कर देते ना चौथा कैंट पूरी भागवत को, पूरी भागवत को उन्होंने कोशिश किया, दशम स्कंद को तो विशेष, और जो गीत गोविंद को इन्होंने बनाया था गीत गोविंद ग्रंथ रस ग्रंथ, हाँ ट्रांसलेशन कर हिंदी में, हाँ हिंदी
ठीक है गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare गौर ब्रह्मानंदे हरे जय श्री श्री गुरु गोरखनाथ की पाद सिद्धार राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जय गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि नमो।